गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास थर्ड का लेसन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, द क्लेवर मिनिस्टर। पहले हमने मिनिस्टर के राजा सोम वर्मा को प्यास लगने के कारण मिनिस्टर के सूझबूझ से हिरण को पकड़ने के बारे में बताया था और उसको मिनिस्टर के द्वारा नमक खिलाया गया जिससे कि उसको प्यास लग सके। अब उसके आगे की कहानी हम अब पढ़ते हैं। द मिनिस्टर सेड द डियर फ्री। मिनिस्टर ने मंत्री ने हिरण को आज़ाद छोड़ दिया। अब वो मंत्री से राजा से कहता है कि कम ऑन आइए। द डियर रैन इन सर्च ऑफ वाटर। डियर हिरण रैन यानी दौड़ा, इन सर्च search सर्च मीन्स खोज में ढूंढने, ऑफ वाटर water वाटर वाटर मीन्स पानी की। तो हिरण पानी की खोज में दौड़ा। लुक वाटर, मंत्री कहता है राजा से कि लुक वाटर देखो पानी। मिनिस्टर योर विजडम इज मार्वलस। राजा कहता है पानी पीने के बाद मंत्री से कि मंत्री तुम्हारी बुद्धिमानी। मिनिस्टर योर विजडम, विजडम WISDOM विजडम मीन्स होता है बुद्धिमानी समझदारी। तुम्हारी समझदारी से ही इज मार्वलस MARVELOUS मार्वलस मीन्स होता है बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। तुम्हारी जो समझदारी है वो बहुत अच्छी है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी सूझबूझ से कार्य करना चाहिए। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले है ग्लॉसरी, GLOSSARY ग्लॉसरी में शब्दकोश होता है। शब्दकोश यानी कि कठिन शब्द जिनके हमें अर्थ पता नहीं होते तो उनके हमारे इसमें पार्ट को समझने के लिए वो होते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है THIRST थर्स्टी। थर्स्टी मीन्स प्यासा। सेकंड है फैमिलियर, FAMILIAR फैमिलियर। फैमिलियर मीन्स परिचित, जानकार। LANGUAGE लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा। फोर्थ नंबर पर है LUGGAGE लगेज। लगेज मीन्स यात्री का सामान। फिफ्थ नंबर पे नेक्स्ट है CAUGHT कॉट। कॉट मीन्स पकड़ा। नेक्स्ट है WISDOM विजडम। विजडम मीन्स समझदारी। लास्ट एंड नेक्स्ट MARVELOUS मार्वलिस। मार्वलिस मीन्स होता है बहुत बढ़िया। आई रिपीट इट MARVELOUS मार्वलिस। मार्वलिस मीन्स बहुत बढ़िया। हमें ये सभी हार्ड वर्ड्स, ये वर्ड मीनिंग हमारी कॉपी में लिखने हैं और लर्न भी करना है। अब हम एक्टिविटी बेस्ड आ जाते हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। सत्य के लिए टी और असत्य के लिए एफ लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस है द किंग वॉज थर्स्टी। राजा प्यासा था। क्या ये सच है? यस, हाँ ये सत्य है। तो इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट वाले ब्रैकेट में देखिए टी। द मिनिस्टर वॉज फैमिलियर विद द फॉरेस्ट। मंत्री जंगल से परिचित था। क्या वो परिचित था? नहीं, वो परिचित नहीं था। तभी तो उसने हिरण को पकड़ा, उसने अपने दिमाग की तरकीब लगाई। तो इसमें हम लिखेंगे सेकंड वाले ब्रैकेट में एफ यानी फॉल्स। थर्ड नंबर पे है द मिनिस्टर फीड शुगर टू द डियर। मंत्री ने क्या हिरण को शक्कर खिलाई थी? क्या नहीं खिलाई थी ना? तो इसमें भी हम लिखेंगे फॉल्स मीन्स एफ। द किंग गॉट वाटर। राजा ने पानी पी लिया, राजा को पानी मिल गया। तो यस, इसमें लिखेंगे हम ट्रू। नाउ द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग। व्हाट यानी क्या, वाज यानी था, द नेम नाम ऑफ द किंग राजा का।
राजा का नाम क्या था? तो यहाँ लिखेंगे द नेम ऑफ द किंग वॉज SOMVARMA मीन्स सोम वर्मा। क्या नाम था राजा का? सोम वर्मा। तो द नेम ऑफ द किंग वॉज सोम वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिडंट नो हुज लैंग्वेज। हु कौन, डिडंट नो नहीं जानता था, हुज किसकी, LANGUAG लैंग्वेज यानी भाषा। कौन किसकी लैंग्वेज नहीं जानता था, कौन किसकी भाषा नहीं जानता था, तो इसमें लिखेंगे द मिनिस्टर। तो मिनिस्टर की स्पेलिंग MINISTER मिनिस्टर। डिडंट नो डियर्स DEER डियर एपोस्ट्रोप S डियर्स लैंग्वेज। मंत्री हिरण की भाषा को नहीं जानता था। तो दोबारा से बोलती हूँ इसका आंसर, द मिनिस्टर डिडंट नो डियर्स लैंग्वेज फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 3, होम डिड द मिनिस्टर सेट फ्री। होम किसे डिड द मिनिस्टर मंत्री ने सेट फ्री आज़ाद किया था, मंत्री ने किसको आज़ाद किया था, तो इसमें लिखेंगे द मिनिस्टर सेट फ्री टू डियर मंत्री ने हिरण को आज़ाद किया था। फिर लास्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द डियर गो। वेयर कहाँ, डिड द डियर हिरण गो गया, कहाँ गया था हिरण, तो लिखेंगे द डियर गो की जगह हम लिखेंगे वेंट went went means गया। तो the deer went in search 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 of 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 water WATER water। Once again I repeat, the deer went 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 in search 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 of WATER water। The deer went into in search of water। हिरण कहाँ गया था, हिरण उसके लिए पानी की तलाश में गया था। हमारा चैप्टर यहीं फिर है। ये जो मैंने आपको एक्टिविटी करवाई है, ये जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर्स ये ग्लॉसरी बताई है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। और इसी के साथ साथ आपको अपनी नोटबुक के साथ साथ याद भी करनी है, घर पे अपने पेरेंट्स को सुनानी भी है। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।